होती है जिसे किताब के हिसाब से समझ आए। संचालन माहौल है और माहौल को हिसाब से देख के बोला जाता है, वही संचालन होता है। किसी ने मुझे सिखाया कि तुमको किताब पढ़नी चाहिए, मैंने कहा मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। अरे आदमी के खुद के विचार ना हो, दूसरे के विचारों पर ही फॉलो करता रहे, वो नकारात्मक सकारात्मक उससे फायदा क्या। देवेंद्र गौतम की अपनी बात रखी। साहब का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। गूंगों को जबान, पैरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान देने वाले विश्व गुरु परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। संसार को मानवता का संदेश दिया परम पूज्य, पूज्य नहीं कह सकते, आदर्श कह सकते, हमारे दिल की धड़कन है भगवान गौतम बुद्ध। या जितने भी हमारे समाज के कार्यकर्ता बैठे हैं उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि गाजियाबाद से हम दो लोग आए हैं, दोनों लोग दो बात जानते हैं कि एक तो कुछ हम जानते नहीं है, दो जान किसी की मानते नहीं। नरेंद्र मोदी और हम 100 किलोमीटर आपसे चलकर आए हैं, और मैं देवेंद्र गौतम इसाली दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया मंडल अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संस्था का एक छोटा सा सदस्य हूं। और सम्मान एक अधिकारी है जो आपके सुंदर सुंदर चेहरे में कैद कर रहा हूं, इन्हें कल को मैं संसार को दिखाऊंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले अभी इस धरती पर जिंदा है। मैं मुजफ्फरनगर के अंदर, अभी मेरे भाई साहब ने बताया, मेरे आदर्श नरेंद्र मोदी जी ने, कि हम यहाँ 2.5 महीने के लगभग 3 महीने हो चुके हैं, हमें गांव गांव कैडर कैंप लगाते हुए, अमरेश जी के फादर यहाँ बैठे हैं, वो गांव आए, मैं उनके गांव में भी कैडर लगा के आया हूँ। मैं भाई साहब को बुलाना चाहूंगा, आए रोशन लाल बोध जी जो आपके पड़ोस के ही गांव के हैं, खिंदड़िया गांव है ना आपका, इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने यूट्यूब देखा मेरा, राखी रावण जी का, तो हम जो है इन्होंने कहा जी आपको हमारे क्षेत्र में काम करना है, बल्कि सर आपका आदेश होगा, हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चले हुए हैं, क्योंकि मेरी तो सुबह भी भीम से होगी, मेरी तो शाम भी भीम से होगी, और जुबा पे जब भी कोई नाम आएगा तो वो नाम भी भीम का ही होगा, और दुनिया से जब हम जाएंगे तो यारो नाम भी हमारा भीम से ही होगा। तो साथियों अभी यहाँ बहुत सारे लोगों ने बात करी, नरेंद्र भाई साहब ने बात करी, एक और संगठन वाले थे, मन संचालक थे, सभी का अपना अपना एक अस्तित्व होता है बोलने का, बात करने का, कोई गलती किसी से भी हो जाती है, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल होते हैं। प्रोफेसर साहब मैं लगभग 2008 से इस काम को कर रहा हूं, गांव गांव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जानने का, और मुझे बोध जी ने बताया जो आयोजक मंडल है यहाँ का छठा बोध धाम समारोह कर रहे हैं, ये शिवानी गौतम जब गारिया से 6 साल पहले मैंने इसे सुना था कि मेरे बाबा भीम बाबा आंधी गए तकदीर गुलामों की, ये लड़की मुझे नहीं पहचानती, मैं मुरादनगर से रहने वाला हूँ, और सहारनपुर मैंने इसका गाना सुना, फिर मैंने अपने मुरादनगर में इसे बुलाया था। देश का ऐसा कोई संगठन नहीं होगा देवेंद्र गौतम इसाली को ना जानता हो, देश का। आप सब लोगों को मैं बता दूं, पहला ये कार्यक्रम है जिसमें मुझे दिल से खुशी हुई है, हम दोनों भाई आए हैं कि यहाँ बहुत संस्कृति उपज हो चुकी है, जहां देखो वही मंदिर, जहां देखो वही मंदिर, जहां